सकते हैं। मैंने बीसीए किया है गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज बरमला से। एंड नाउ आई एम परस्यूइंग एमएससी आईटी। सो क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पे? फिलहाल तो हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एप्पल वॉलनट बिस्किट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एप्पल एंड वॉलनट बिस्किट्स है, क्योंकि एज अ नेम एम्प्लाइज में हम कश्मीर के दो मेन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फेमस प्रोडक्ट वॉलनट और एप्पल। तो फिलहाल तो हम इस यूनिट में एक ही ये बनाते हैं, और ये है अंडर द ब्रांड कोशर क्रंच। इसकी मार्केटिंग हम लोकल नहीं कर सकते, आउटसाइड कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीम है वहाँ पर, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, महाराष्ट्र और मुंबई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कश्मीर में हम नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते। कश्मीर में आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कश्मीर के प्रोडक्ट हैं तो कश्मीर में नहीं करना चाहते। इसको हम एक्चुअली अगर कश्मीर को कश्मीर में ही रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहता, कोई मकसद नहीं रहता। हमारा मकसद है इस चीज़ का कि हम अपने पहली को, खूबसूरत पहली को बाहर जितने भी शहर हैं, जितने भी कंट्रीज है इवन, वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। तो ये मकसद है। आपने ये जो वॉलनट और एप्पल चुना है, मतलब आपके दिमाग में कैसा आया कि मैं यही दो प्रोडक्ट्स चुनूं? क्या एक्चुअली जो हम एप्पल यूज़ करते हैं और वॉलनट्स यूज़ करते हैं, इससे हम पूरे कश्मीर को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एप्पल सबको पता है कि कश्मीर का जो एप्पल है वो फेमस है बाहर कहीं भी, या वॉलनट या कोई भी ड्राई फ्रूट, आप लोग बादाम हो या कोई और ड्राई फ्रूट, कोई और नट हो, वैसे ही वॉलनट भी उनमें से एक आता है, तो वो भी बहुत ही फेमस है कश्मीर का बाहर। तो इसलिए मैंने ये दो प्रोडक्ट्स हम मिलाते हैं, तो एक कुकीज़ तैयार करते हैं जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर। नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ उसको बोल दे है बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा है, वहाँ का एक दूर दराज इलाका है इस्टिंगो। इस वक्त मेरे साथ है निदा। निदा कश्मीर की पहली लड़की है जिसने अपने दम पे बेकरी शॉप डाला, उसकी शुरुआत की। निदा कश्मीर की हज़ारों लड़कियों के लिए एक मशाल रहा है, एक एग्जाम्पल है, और उस समाज के लिए जो कहते हैं कि औरत मर्द से कम है। निदा, जब आपने ये फर्स्ट टाइम शुरू किया यहाँ पे, जो आपके मतलब नेबर्स थे, सोसाइटी थी, उनके क्या रिएक्शंस थे, उनके क्या? वो तो मुझे मतलब मैं कहूँगी कि उनकी तो अलग ही जो सोच थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो मुझे बोले थे आपने क्यों ये काम किया, ये लड़कों का काम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब अभी आप देख सकते हो लड़कियाँ हर फील्ड में आ गई हैं, तो इसमें क्यों पीछे रहती? आउटसाइड स्टेट्स में लड़कियाँ शेफ नहीं है, तो हम क्यों पीछे रहे? इसलिए मैं ये फील्ड जो ना उनको दिखाने के लिए नहीं, हम सही कर रहे हैं। अब उनको भी पता चला, एक साल लगभग हो गया हमें काम करते हुए, अब उनको भी पता चल गया है कि अब वो मुझे इनकरेज कर रहे हैं, तो उनकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी चेंज लाई है सोसाइटी में। और अगर हम ये सोचेंगे कि हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, मैं कहूँगी हम उनके लिए नहीं जी रहे, क्योंकि हमारी लाइफ है हम खुद के लिए जी रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम बाहर निकल नहीं सकते। कोई चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी हमारे वैली में है, यूथ जो हमारी वैली की है, जो पढ़ लिख के घर में स्टक हो गए क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा कहीं पे या कुछ, उनके लिए है कि अपना कुछ सोचो, ऐसा कुछ नया आइडिया जो आपके दिमाग में आते हैं कुछ करो, कुछ अलग सा करो, खुद को भी रोजगार दो और उनके साथ साथ औरों को भी रोजगार दो। आपसे मैं ये
جاننا چاہتی ہوں آپ نے جب یہ فیکٹری یہاں پہ ڈالی اس میں جو یہ سارے مشینز ہیں پروڈکٹس ہیں کہاں سے لائے آپ نے اس سب کے لیے آپ کو کہاں سے ہیلپ ملی؟ یہ جو میں نے پورا یونٹ جو اسٹیبلش کیا ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ میں اپنے پیرنٹس کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہر سمے پہ سپورٹ کیا چاہے فائنانشلی سپورٹ چاہے ٹیکنیکلی سپورٹ انہوں نے مجھے کیا تو یہ میرا پرسنل ہے یہاں پہ مطلب جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہو یہ پورا اسٹیبلشمنٹ میں نے خود کیا ہے تو ابھی اگر ہم پروڈکٹس کی بات کریں گے را مٹیریل کی بات کریں گے تو وہ ہمیں اسیم پرووائڈ کر رہا ہے اسیم جو ہے یہ کیا ہے اسیم از اے نان این جی او نان پروفٹ آرگنائزیشن اینڈ اٹس اے پونے بیسڈ آرگنائزیشن اسیم فاؤنڈیشن ان سے آپ کیسے جڑی ان سے میں پچھلے سال ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہو گیا تھا بھائی یہ ایکسیڈنٹل یہ ہو گیا تھا بہت بہت تھینکس کہنا چاہوں گی ان کو اسیم فاؤنڈیشن کو جنہوں نے سچ میں میری مدد کی ہے اور میری مدد نہیں کی بلکہ ہم جتنے بھی یونٹس میں جتنی لڑکیاں کام کر رہی ہیں ان سب کی ہیلپ کی ہے ایون ابھی کر رہے ہیں آپ کی فیملی میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس کا ملا ہے سب کا چاہے ممی ہو پاپا ہو بھائی بہن سب کا سپورٹ ملا ہے مجھے پہلے تو ان کو بھی لگا تھا کہ آف ورڈ لگا تھا لڑکی بہتری میں کیا کرے گی لیکن پھر میں نے دکھایا کہ نہیں انہوں نے پھر مجھ میں وہ شوق دکھا نہیں یہ کرے گی اس کو شوق ہے تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا